अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इमरान असलम, यू आर वाचिंग गुरुस्किल्स चैनल। आज आपको मुतलका दिए गए टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि गुरुस्किल्स के आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गुरुस्किल्स के नए टॉपिक के साथ क्लास का आगाज करते हैं। आपके फीडबैक का शुक्रिया। आप कीप इन टच हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी क्यूरी से काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग इन ट्यूटोरियल्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको आम जुबान में RegEx भी कहा जाता है। ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं जो कि आपका जो सर्च पैटर्न है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। RegEx एक स्पेसिफिक चेक के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें आप स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेसिफिक सर्च करवाते हैं या सर्च पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसके अलावा RegEx मॉड्यूल भी पाइथन में बिल्डिंग पैकेज है, जिसको हम कॉल करते हैं RE, यानी के एक्सप्रेशन, और ये हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल होगा। इसके लिए हम इंपोर्ट करवाने के लिए जस्ट प्रैक्टिकली इसको इंपोर्ट RE से इंपोर्ट करवाएंगे। RegEx यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन के जो मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट RE से आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। फर्दर आप इंपोर्ट करवाएंगे जैसे ही मॉड्यूल, तो इसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल चेक करेंगे, जिसमें एक स्ट्रिंग है, उसमें से हम दी स्टार्ट में और पाकिस्तान एंड में सर्च करवाएंगे। कैसे होगा, उसका क्या सिंटैक्स है, ये अभी टाइप करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। हमारी है टैक्स, द रेन इन पाकिस्तान, एक वेरिएबल है री, आपका मॉड्यूल सर्च मेथड, उसमें आप सर्च करवाएंगे जो स्टार्टिंग सर्च के लिए इस्तेमाल होगा, अप कैप दी डॉट, और लास्ट में आप पाकिस्तान डॉलर साइन, जो भी लास्ट को इंडिकेट करेगा। पाकिस्तान से जो स्टार पहले, इससे वन और मोर देन वन जो भी करेक्टर्स होंगे वो उसके लिए ये शो करवाएगा या सर्च करेगा। टेक्स्ट हो रही है ये आपकी सिंटैक्स होगा इस के हवाले से कि अगर, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्यों भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई या कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई, तो वो इसलिए नहीं हुई कि हमने इसका कोई रिजल्ट अभी तक इसको दिया नहीं है कि क्या चीज़ आपने प्रिंट आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको फिर एक बार हम क्लियर करते चलें कि ये पैटर्न जो हैं, इसमें स्टैटिक हमारे लिए यूज होगा, मोर अक्रेंस ऑफ द पैटर्न टू इट्स लेफ्ट, जीरो और मोर, जितनी भी आपकी लेफ्ट साइड पे अक्रेंस होगी उसके लिए इस्तेमाल, यानी एक या एक से ज्यादा
आपने कोई करेक्टर्स को सर्च करवाना है लेफ्ट साइड पे, तो आप स्टैटिक यूज करेंगे। उसके ऊपर स्टार्टिंग में जैसे हमने अपवर्ड भी जिसको बोलते हैं, ये स्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि डी हमने स्टार्ट में चाहिए था तो उससे पहले हमने डी के पहले इसको इस्तेमाल किया। और एंडिंग करवा रहे हम डॉलर साइन से, अगर किसी भी करेक्टर या अल्फाबेट के एंड पे आपका डॉलर साइन आएगा तो ये मैच करेगा आपकी एंडिंग को। अब इस सिंटैक्स में हमने डी स्टार्ट में और पाकिस्तान एंड में, और स्टेरिक इसलिए यूज हुआ कि वन आर मोर, जीरो आर मोर करेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी पैटर्न को चेक करेगा। अब नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने जस्ट सर्च करवाई है लेकिन इसको कोई ऐसी आउटपुट नहीं असाइन की कि अगर ये वैल्यू या ये टेक्स्ट ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट आउट हो, और अगर नहीं पैटर्न मैच होता तो इसका क्या रिजल्ट आए। सबसे पहले हम एक लूप या इफ एल्स कमांड देते हैं जिसमें प्रिंट, अगर इफ जो हमारा एक्स वेरिएबल है अगर वो इक्वल आ जाए तो यस वी हैव नॉट अ मैच, अगर बारिश नहीं होगी तो प्रिंट अगर बारिश नहीं हैगी वी हैव अ मैच। अब इसमें ये देखें कि पैटर्न उसने चेक किया है और आपको वैल्यू अपना प्रिंट करवा दी है कि क्योंकि आज बारिश है, उसने पैटर्न को कंपेयर करवाया टेक्स्ट को और आपको रिजल्ट दे दिया वी हैव नॉट अ मैच। उम्मीद है कि इस तरह कुछ ना कुछ आपको अभी इसकी बेसिक जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके हवाले से क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप इसमें मेटा करेक्टर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि सेट हो गया आपकी स्टार्ट विद एंड विद स्टैटिक जीरो आर मोर अक्रेंस के लिए इस्तेमाल होगा, प्लस होगा वन आर मोर अक्रेंस के लिए, इसी तरह एग्जैक्टली स्पेसिफाई नंबर ऑफ अक्रेंस के लिए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, और पाइप साइन जिसे बोलते हैं आइदर आर आर के लिए इस्तेमाल होगा, कैप्चर एंड ग्रुप के लिए हमारी पैरेंथेसिस इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल करेक्टर भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप सेट्स भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सेट्स को आप असाइन करके उनके साथ भी अपनी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड ऑल फंक्शन को इसमें चेक करके देखते हैं कि उससे क्या आएगा या उसका रिजल्ट क्या एग्जीक्यूट होगा अगर हम फाइंड ऑल का फंक्शन यूज करेंगे। वही सेम इंपोर्ट करवाएं रीमॉड्यूल अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से हम आई एन द रेन इन पाकिस्तान
The rain in Pakistan in हम जस्ट चाह रहे हैं कि कुछ सर्च करवाएं जिसमें आपका जो एम है उसको चेक करवाया जाए कि वो कितनी बार या एन कितने बार डिस्प्ले हुआ है इस टेक्स्ट में. वो पैटर्न कुछ इस तरह यूज होगा इज इक्वल टू आर फाइनल आल. ये हमारा सॉरी फाइंड आल ये हमारा फंक्शन इस्तेमाल होगा. क्या करना है हमने फाइंड इन करवा दें हमारी टैक्स आ जाएगी. उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट एक्स. ये देखिए उसने पैटर्न को इस्तेमाल किया है और आपको फंक्शन को फाइंड आल करते हुए जो हमने उसको पैटर्न दिया था इन का उसने वो बता दिया कि कितनी बार हमारा इन इसमें शो हो रहा है. ये लिस्ट आपको कंटेन करेगा इफ नो मेजर ऑफ फोन एंड एम्प्टी लिस्ट आर रिटर्न. अगर हमारा इस तरह का कोई भी डाटा फॉर्म नहीं होगा तो ये रैन रेन पाकिस्तान. अगर इस तरह का कोई होता तो ये देखिए इसने एम्प्टी आपको डिस्प्ले कर दिया है. इसी तरह हम सर्च फंक्शन इस्तेमाल करेंगे. सर्च फंक्शन सर्च करवाएगा स्ट्रिंग फॉर अ मैच एंड रिटर्न अ मैच ऑब्जेक्ट इफ देयर इज द मैच. इफ देयर मोर देन वन वेंट ओनली द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द मैच विल बी रिटर्न. यानी कि जो सर्च फंक्शन होता है इसमें आपका पहला जो अकरेंस है जस्ट उसी को रिटर्न करवाया जाएगा. और अगर इसमें कोई आपका मैच नहीं होगा तो नन आपको रिटर्न करवाया जाएगा. कैसे होगा वो अभी चेक करते हैं. इंपोर्ट आरई टेक्स्ट रेन इन पाकिस्तान. वही हमारा वेरिएबल वी डॉट सर्च हम यूज करेंगे. txt print first white space character is located in position. उसके बाद x dot start in position 3. आपका जो पहला स्पेस है उसके लिए ये फंक्शन रन करवाया गया है कि कहां पे आपका जो वाइट स्पेस है द फर्स्ट वाइट स्पेस आपका 3 पोजीशन में शो करवा दिया गया है. तो ये ही उसने मैच किया है. और अगर इस तरह का कोई मैच ना हो तो फिर आपका नन हो जाएगा. अब कुछ तरह की हम कोशिश करते हैं जैसे मैच जिसमें ना हो. अगर यहां पे हम कर दें इंडिया तो उसमें आपका नन आना चाहिए. कहां पे री डॉट सर्च इंडिया टेक्स्ट प्रिंट एक्स. यहां पे जस्ट आपको वेरिएबल देना पड़ेगा.
ये देखें कि वो आपका मैच यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज मैच नहीं हुई तो उसने नन आपको रिटर्न करवा दिया। अब स्प्लिट, जैसे कि पहले भी आप जानते हैं स्प्लिट कोई भी सेंटेंस आपका लिस्ट उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तो स्प्लिट फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, उस चेक करेंगे कि वो किस तरह स्प्लिट करवाता है या उसका क्या मकसद है रेगुलर एक्सप्रेशन में। इंपोर्ट आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन टी एक्स टी द रेन इन पाकिस्तान, वेरिएबल आ जाएगा आपका रीड डॉट स्प्लिट, ये हमने स्प्लिट फंक्शन यूज किया एस, ये हमारा स्पेस बार को शो करवा रहा प्रिंट एक्स। ये देखेंगे उसने आपकी जो स्पेस बार है वहां से उसने उसको लिस्ट बना दी है आपकी स्पेस को देखते हुए। अब इसको मैक्स स्प्लिट करके कंट्रोल भी कर सकते हैं द फर्स्ट अक्रेंस, अगर हम जस्ट स्प्लिट करवाना चाह रहे हैं कि इसको फर्स्ट अक्रेंस पे हो तो वो इस तरह हो जाएगी कि द रेन, ये देखेंगे उसने द रेन जहां पे आपका पहला स्पेस आया उसको जस्ट स्प्लिट करवा के बाकी आपका जो सेंटेंस है उसको पूरी लिस्ट में शो करवा दिया है। इसके बाद सब फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, सब फंक्शन का क्या काम है और किस तरह इस्तेमाल होगा, तो सब फंक्शन के हवाले से सब फंक्शन रेगुलर एक्सप्रेशन में आपका जो मैच है आपके मतलूबा, आप कोई कैरेक्टर्स कोई अल्फाबेट्स प्लेस करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सब इस्तेमाल होगा रेगुलर एक्सप्रेशन में। सेम इंपोर्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है टैक्स द रेन इन पाकिस्तान अगेन, वेरिएबल हमारा आ जाएगा और हमारा जो फंक्शन है सब एस अब नाइन में यहां पे स्पेस है वहां पे नाइन में डिस्प्ले करवाना जा रहा हूं, इसको मैं अगर एक्स करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें द रेन द नाइन रेन नाइन इन नाइन पाकिस्तान। इस तरह आप सब फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी का मतलूबा करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर काउंट पैरामीटर इस्तेमाल करें तो उसके साथ आप सारा रिप्लेसमेंट को काउंट भी करवा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये नाइन जो है ये जस्ट ये एक बार रिप्लेस हो तो उसके लिए आप जस्ट वन यहां पे रिप्लेस ऐड कर देंगे, आपके जो अक्रेंस है वो जस्ट एक नाइन आपकी फर्स्ट स्पेस बार पे अक्रेंस आपकी सेट हो जाएगी। इसके बाद मैथ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं द सर्च और रिजल्ट के हवाले से। अगर आपकी कोई मैच नहीं होता तो नन वैल्यू रिटर्न होगी ना कि आपका मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो उसमें सेम आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो चेक करते हैं। इसको इंपोर्ट आपका मॉड्यूल
उसके बाद वही टैग्स द रेन इन पाकिस्तान सर्च आपका फंक्शन ये हो गया इन टैग्स मैच ऑब्जेक्ट के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड यूज करेंगे जो कि हमारी इंफॉर्मेशन जो कि सर्च के हवाले से होगी या रिजल्ट को मजीद डिटेल के साथ हासिल करने के लिए ये मेथड यूज होंगे जिसमें डॉट स्ट्रिंग जो कि हमें टपल कंटेनिंग द स्टार्ट एंड एंड पोजीशंस ऑफ द मैच शो करवाता है इस तरह डॉट स्ट्रिंग मेथड जो रिटर्न करवाता है हमें स्ट्रिंग पास्ट इनटू द फंक्शन और उसके बाद ग्रुप डॉट ग्रुप रिटर्न करवाता है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर देयर वाज अ मैच इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे वन बाय वन इन तीनों को स्पैन स्ट्रिंग और ग्रुप कि ये किस तरह मैच करते हैं और इसका क्या रिजल्ट होता है सबसे पहले स्पैन के हवाले से ये हमें पोजीशन स्टार्ट और एंड पोजीशन फर्स्ट मैच अक्रेंस की शो करवाएगा अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं और एनी वर्ड उसमें उसको असाइन करवा देते हैं तो किस तरह उसका प्रिंट आउट या हमें रिजल्ट देगा वो इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली इंपोर्ट वही हमारा मॉड्यूल हम चाह रहे हैं कि एक कोई अपर केस करेक्टर को जो कि बिगनिंग ऑफ वर्ड हो उसको वो सर्च करे और उसकी पोजीशन जो है वो हमें प्रिंट आउट करे वो कुछ तरह होगी कुछ इस तरह एक्स इक्वल टू द रेन इन पाकिस्तान वेरिएबल मॉड्यूल हमारा सर्च मेथड अब हम चाह रहे हैं कि अपर केस जो के स्टार्ट में हो जिसके पी और वो मैच हो के उसकी पोजीशन डिस्प्ले करवाई जाए प्रिंट डॉट्स स्पैन इसका मेथड यूज करेंगे इसको यहां पे क्लोज कर दें अब ये देखें कि इसने आपका जो अपर केस पी को आप सर्च करवाना जा रहे थे और उसकी जो के किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हो और उसकी पोजीशन के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे थे तो आपका जो पी है वो 12 अगर डाल चेक करें 3 एक्स स्पेस 4 आर 5 ए 6 आई 7 एन 8 स्पेस 9 आई 10 और एन 11 स्पेस 12 आपका 12 से फिर आगे स्टार्ट होके और ये 20 करेक्टर तक आपका जो होल जा रहा है तो उसकी इसने पोजीशन आपको डिक्लेयर करा दी प्रिंट करवा दी है नेक्स्ट मेथड हम स्ट्रिंग की तरफ बढ़ेंगे स्ट्रिंग आपको किस लिए इस्तेमाल करना है वो अब स्ट्रिंग पास करेंगे और इन इस फंक्शन में तो जो भी वो स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न करवा के सर्च आपको स्ट्रिंग करवाएगा सेम जो आप उसको सर्च करवाएंगे जैसे कि पोर्ट रिमॉड्यूल आपका रेगुलर एक्सप्रेशन या भी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी को रिटर्न करवाएगा सर्च स्ट्रिंग में
यानी कि आपका अगर वो ट्रू हो जाएगा तो ये पूरा आपका टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आपका वो ट्रू नहीं होता तो आपकी नन वैल्यू डिस्प्ले होती है। द रेन इन पाकिस्तान एक्स रिसर्च अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर कोई कैप्स अपर केस आ जाए पी वैल्यू करेक्टर तो ये ओके हो जाए। और आपकी जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो, प्रिंट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। ये देखें उसने अगर आपका अपर केस वाला सर्च मेथड ओके हो गया तो उसने जस्ट जो आपकी पूरी स्ट्रिंग थी उसको प्रिंट आउट करवा दी है। सेम इसके लास्ट मेथड जो एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं जिसमें ग्रुप है ये आपकी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को शो करेगा, यहाँ पे आपका जो मैच है वो ओके हो जाएगा। अब हम सेम वही एक ऐसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपका वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा विद एस, सेम वही उसी कोड को हम यूज करते हैं और यहाँ पे जस्ट अब सिंगल ग्रुप ऑफ क्रैक वर्ड वो आपको शो करवा देगा ग्रुप जो आपका मैच आएगा। ये देखिए पाकिस्तान आपका इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में सर्च मेथड में ग्रुप मेथड को या प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए सेम पैटर्न आया तो उसने पाकिस्तान डिस्प्ले करा दिया। आज के टॉपिक के हवाले से किसी किस्म की क्यूरी या कुछ सजेशन हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करें ताकि जो भी वहाम है वो आपके जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। उम्मीद है आज का टॉपिक और हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए कमेंट करें, आपके फीडबैक को तरजीह दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।